Welcome back, class. This is the last and the concluding video with respect to your variation chapter. इस सब के खत्म होते ही बेटा आपका variation chapter भी पूरा हो जाता है and thereafter we will meet in the next video with a new chapter. That is question number 10 on page number 60, the concluding question. आपको पहले तो इस question को read करना है. उसके बाद कौन से टाइप का वेरिएशन है वो आइडेंटिफाई करना है और फिर बाद में सॉल्व करना है. सो रीड, आइडेंटिफाई एंड सॉल्व, इन तीन पार्ट में हम इस वर्ड प्रॉब्लम को देखेंगे. और पेज नंबर 60 Q10, दे से आइडेंटिफाई द वेरिएशन एंड सॉल्व. अब आइडेंटिफाई करने के लिए रीड तो करना ही पड़ेगा. सो लेट अस रीड. It takes 5 hours to travel from one town to the other if the speed of the bus is 48 km per hour. क्या लिखा है बेटा उन्होंने? एक बस है जो टाउन ए से चलती है. For an example, टाउन ए से चलती है और उसे टाउन बी तक जाना है. कहां तक जाना है? टाउन बी तक. और उस बस की जो स्पीड है ना बेटा वो कांस्टेंट रहेगी, दैट इज 48 किलोमीटर पर आवर. एक घंटे में वो 48 किलोमीटर ही कवर करेगी, ना उससे ज्यादा ना उससे कम. तो स्पीड उसकी कांस्टेंट रहेगी. और ऐसा कितने आवर्स में वो बस पहुंचने वाली है? 5 आवर्स. और स्पीड क्या होगी उस बस की बेटा? 48 किलोमीटर पर आवर. करेक्ट. तो अब आपकी ये जो बस है वो 5 घंटे तक एक ही स्पीड पे चलेगी एंड दैट स्पीड विल बी 48 किलोमीटर पर आवर. 5 घंटे बाद ये बस पहुंच जाएगी बी पर, दैट इज टाउन नंबर 2. वहां पर हॉल्ट लेगी, इंजन की सर्विसिंग करेगी, गाड़ी के जो टायर्स हैं बस के उसके एयर प्रेशर चेक किए जाएंगे और समझ लीजिए ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर एक घंटे का ब्रेक लेकर फिर से लौटकर बस में आ जाएंगे और ये बस अब रिटर्न आ रही है. बट नोट कर, जब ये बस रिटर्न आ रही है दैट इज अब ये बी से चलकर वापस ए को जा रही है एंड दैट टाइम द स्पीड ऑफ द बस is reduced by 8 km per hour. अब यहीं पर बच्चे ना confusion को create करते हैं. Sir, 8 km कम करना है कि बस को 8 km पे चलाना है? अगर आप एक घंटे में 8 km चलाओगे ना बेटा, तो आप कब पहुंचोगे आप वो सोच के देखो. आपकी स्पीड नहीं है 8 किलोमीटर, बस की स्पीड को 8 किलोमीटर कम करना है. जब वो ए से बी तक चली थी तब उसकी स्पीड क्या थी? 48 किलोमीटर. करेक्ट. अब उसकी स्पीड 48 किलोमीटर नहीं रहेगी, आपको इस 48 में से 8 किलोमीटर कम कर देने हैं, रिड्यूस कर देना है. रिड्यूस मींस माइनस, कम. तो दिमाग लगाओ, अगर 48 में से 8 किलोमीटर कम कर देंगे तो स्पीड कितनी हो जाएगी? 40 किलोमीटर पर आवर. यस और नो? करेक्ट. और अब बेटा थोड़ा सा और आगे चलो. जब आप स्पीड कम कर दोगे तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए. ट्रेन से दिल्ली जाने में 16 से 17 घंटे लगते हैं, प्लेन से 2 घंटे के अंदर पहुंच जाते हैं. दिल्ली तो दिल्ली की में है ना, कि प्लेन के लिए आगे आ जाती है और ट्रेन के लिए पीछे चली जाती है, ऐसा तो नहीं है. बिकॉज ट्रेन की स्पीड कम है तो ज्यादा टाइम लगता है, प्लेन की स्पीड ज्यादा है तो कम टाइम लगता है. इन द सेम वे बेटा, जब आपने स्पीड कम कर दी है तो अब आपको 5 घंटे नहीं लगेंगे, आपको 5 घंटे से ज्यादा टाइम लगेगा. सो व्हाट इज हैपनिंग? When the speed is reduced, decreased, the journey ka time will increase. And such type of variation is
inverse variation. Yes, तो एक बात तो clear हो गई, ये कैसा variation है? Inverse variation. I am repeating. सबसे पहली बात, एक बस जो है, वो चलती है destination town A से, और उसे जाना है town B. उस बस की स्पीड कितनी बताई है? 48 किलोमीटर पर आवर. इसका मतलब होता है हर एक घंटे में वो 48 किलोमीटर ही कवर करेगी, कांस्टेंट स्पीड पे चलेगी. और उस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए कितने आवर्स लगने वाले हैं? 5 आवर्स. 5 घंटे बाद वो बस ए से निकलकर बी तक पहुंच जाएगी. फिर यहां पे थोड़ा सा टाइम पास करेंगे, ब्रेक लेंगे, रिलैक्स करेंगे, और अब वापस से ये बस बी से चलकर ए की तरफ आ रही है. बट दिस टाइम आपकी बुक में लिखा है द स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 8 किलोमीटर. यानी पहले स्पीड कितनी थी? पहले स्पीड थी 48, अब उसको 8 किलोमीटर कम कर दिया गया है. और 48 में से अगर 8 किलोमीटर कम कर देंगे तो स्पीड कितनी हो जाएगी बेटा? 40 किलोमीटर. यस, और अब आपको सोचना है, जब आप स्पीड कम कर दोगे तो आपको ज्यादा टाइम तक जर्नी करनी पड़ेगी बस में. इट मींस व्हेन द स्पीड ऑफ द बस विल डिक्रीज, द टाइम ऑफ द जर्नी विल इंक्रीज. Decrease, increase, such type of variation is inverse variation. तो अब बेटा पूरा word problem समझ में आ गया है, अब खाली solve करने की देरी है. So let us solve the word problem. Speed of the bus for 5 hours is equals to 48 kilometer per hour. Correct? ये है आपका पहला statement. 5 घंटे तक वो बस 48 kilometer per hour की speed से दौड़ी है. Yes? Correct? और अब क्या हुआ है? स्पीड को रिड्यूस किया गया है. क्या किया गया है? रिड्यूस. सो आई विल बी कॉपीइंग द स्टेटमेंट फ्रॉम द टेक्स्ट व्हिच सेज सिंस कॉमा द स्पीड ऑफ द बस is reduced by 8 किलोमीटर पर आवर. क्या लिखा है? उन्होंने बस की स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर से रिड्यूस किया है. तो आप लिखोगे therefore current speed of bus is equals to, पहले स्पीड कितनी थी? 48 किलोमीटर पर आवर. रिड्यूस का मतलब होता है माइनस, और कितना माइनस करना है? 8 किलोमीटर पर आवर. सो द करंट स्पीड विल बी 40 किलोमीटर पर आवर. यस और नो? सो आपका अगला स्टेटमेंट बन जाएगा स्पीड ऑफ द बस फॉर क्वेश्चन मार्क आवर्स. करेक्ट? आपको थोड़ी ना पता है कि अब कितना टाइम लगेगा. जब स्पीड रिड्यूस हो गई है सो बी से ए, यानी कि जिस टाउन पे बस आके रुकी थी वहां से बैक जाने में कितना टाइम लगेगा हमको नहीं पता. सो वी रोट क्वेश्चन मार्क आवर्स इज इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर.
और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया जब बस की स्पीड डिक्रीज हो जाएगी तो जर्नी का टाइम हो जाएगा इंक्रीज सो वी विल राइट हियर व्हेन द स्पीड ऑफ द बस decreases the time of journey will increase. एक ही स्टेटमेंट में डिक्रीज और इंक्रीज है सो वी विल राइट हियर हेंस It is an example of inverse variation. Correct ना बेटा? और inverse variation में कभी भी टेबल नहीं बनता है. हमेशा उसमें मल्टीप्लाई करके आंसर आता है. तो आपका पहला स्टेटमेंट ध्यान से देखो. Speed of the bus for 5 hours is equal to 48 km per hour. पहले स्टेटमेंट में ये दो नंबर हैं. So 5 multiplied by 48. पहले स्टेटमेंट और दूसरे स्टेटमेंट को सेपरेट करने के लिए we put an equal to का साइन. This means equal to के लेफ्ट में स्टेटमेंट नंबर 1 के नंबर्स, equal to के राइट में स्टेटमेंट नंबर 2. Where is statement number 2? Statement number 2 is year. That is question mark hours and 40 kilometer. We cannot take question mark. So there I will be assuming a variable. E multiplied by 40. Number multiplied with a variable always becomes the denominator. 5 multiplied by 48. The whole upon 40 is equals to E. 5, 1 is 5, 8 is 40, 8, 1 is 8, 6 is 48, 1 multiplied by 6 is equals to E, 6 is equals to D, E is equals to 6, correct? अब E किसकी जगह पे लिया था? Question mark जगह पे, correct? तो आपका correct answer है बेटा, जब ये बस वापस रिटर्न आएगी तब 6 घंटे तक आपको बस में बैठना पड़ेगा तो आप यहां पर लिखोगे आंसर इट विल टेक 6 आवर्स फॉर रिटर्न जर्नी करेक्ट रिटर्न जर्नी तो है ये आप ए से बी की तरफ गए तो आप पहुंच गए अब आप बी से वापस ए जा रहे हो तो इसको क्या कहते हैं रिटर्न जर्नी सो क्लास दैट्स इट विद योर वेरिएशन चैप्टर आई होप आप सभी ने अपने काम को ईमानदारी से कंप्लीट कर लिया होगा फ्रॉम वेडनेसडे ऑनवर्ड्स वी विल बी स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू